niaimagination.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी हॉल्टर नेक डिजाइन। ये देखो, ये मैंने स्टोन्स वाली लेस लगाई है और ये हॉल्टर नेक डिजाइन में सिखाऊंगी, जिसके साथ मैंने ये हाफ कॉलर लगाया है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज ट्यूटोरियल। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा। तो इसमें शोल्डर्स का जो नाप होता है वो बिल्कुल नॉर्मल ही लेते हैं हॉल्टर नेक डिज़ाइन में। बस हमने यहाँ से आधा इंच को अंदर की तरफ लिया था गले में। ठीक है, शोल्डर का डिज़ाइन, शोल्डर का नाप बिल्कुल वैसे ही लेते हैं जैसा नॉर्मली लेते हैं। मैंने तीरा टोटल लिया था 14 इंच चलता है इसमें। ठीक है, बुकरम, ऐसे बुकरम ले लीजिए, इसको हम थोड़ा फोल्ड कर लेंगे। टोटल मेरे को गले की चौड़ाई चाहिए 6 × 2 = 3 इंच। ठीक है, 3 इंच मेरे को गले की चौड़ाई चाहिए। फोल्ड कर, हमने फोल्ड कर लिया तो उसके बाद मैंने 3 इंच पे निशान लगाया। इसके बाद मार्जिन के लिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा भी रखेंगे। ठीक है, लंबाई कितनी चाहिए, लंबाई कितनी चाहिए, ऊपर से यहाँ से गला हम नाप रहे हैं तो आधा इंच का मार्जिन, टॉप टर्निंग के लिए आधा इंच का मार्जिन रखा। अब इसके बाद गले की लंबाई मुझे चाहिए 6½, 6.5 इंच। ठीक है, तो मैंने मार्क कर दिया। उसके बाद आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम ऐसे। अब हमें हॉल्टर नेक की शेप देनी है। हॉल्टर नेक की शेप कैसे देते हैं, हॉल्टर नेक की शेप देते हैं हम यहाँ से, हमारा यहाँ तक आ रहा है 6-3 इंच गला जो रिक्वायर्ड है, हमें यहाँ तक चाहिए। उससे हम आधा इंच और एक्स्ट्रा ले लेंगे, आधा इंच और अंदर की तरफ ले लेंगे। ठीक है, अंदर की तरफ ले लिया। हॉल्टर नेक की शेप बता रही हूँ मैं आपको, ऐसे हम इसको ज्वाइन करते हैं। ठीक है, ऐसे ज्वाइन करने के बाद हम ऑलमोस्ट हाफ ले रहे हैं, जैसे कि ये 6½ है तो 3½ तक ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया। आधा इंच यहाँ पर लिया और फिर उसके बाद ऐसे हमने ज्वाइन कर दिया। तो ऐसे बनाते हैं हॉल्टर नेक डिज़ाइन। अब यहाँ से नीचे तक हम बिल्कुल सी शेप ले जाएंगे, गोलाई में इसको ले जाएंगे, गोलाई में, जैसे हम राउंड नेक लगा, जैसे हम राउंड नेक बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही गोलाई दे देंगे। ठीक है, बस हॉल्टर नेक में क्या होता है, यहाँ से हमें रिक्वायर्ड 3 चाहिए था लेकिन ये थोड़ा अंदर को होता है तो इसको आधा इंच हमने यहाँ पर ले लिया और फिर यहाँ से मार्किंग की ऐसे। टोटल जितना रिक्वायर्ड लेंथ है गले की उसके आधे पे हमने ऐसे मार्किंग करी, यहाँ पे इसको ज्वाइन कर लिया और उसके बाद ये गोल शेप दे दी तो हॉल्टर नेक की शेप बन गई। अब हम इसको कट करेंगे, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर ये सीधा है और फिर हर जगह पर हमने आधा आधा इंच मार्जिन रखना है, 1/2 इंच मार्जिन रखेंगे हम गले के हर जगह पर। फिर हम उसके बाद ये वाला पार्ट काट देंगे और ये बाहर वाला पार्ट काट देंगे। देखिए, कोई भी एक्स्ट्रा क्लोथ जो आपको नहीं चाहिए कप, और इस पर हमने नेक लाइन रखा ये वाला, और हमने इस ये बीच वाला भी रखा है, इसकी हेल्प से हमें पता चल जाता है कि ये सही से हमने इसके ऊपर रख लिया है। ठीक है, उसके बाद मेरा ये बुकरम चिपकाने वाली है तो मैंने इसको प्रेस कर दिया। अगर आपके केस में ये चिपकाने वाली नहीं है तो आप इसके साइड्स पे पिंस लगा दीजिए, नहीं तो सुई धागे से कच्चा कर दीजिए। ठीक है, और इसके बाद हम ये बीच में से हटा देंगे। हटाने के बाद ये देखो, अब ये बिल्कुल फिनिशिंग से सही तरीके से लग गया है यहाँ पर गला। और याद रहे, इसके साइड पे हमने आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ना है तो इतना कपड़ा इसके बाहर होना चाहिए। अब हम इसको बाहर की साइड से आधा आधा इंच मार्जिन छोड़ के काट देंगे। ये कट करने के बाद यहाँ पर हम थोड़े छोटे छोटे कट्स भी लगा सकते हैं क्योंकि ये गोल है और यहाँ से घुमाने में आसानी हो जाती है। हम फ्रंट पैनल लेंगे ब्लाउज का, बनाना है हॉल्टर नेक डिज़ाइन। ठीक है, तो ये नेक डिज़ाइन को हम यहाँ पर रखेंगे। उससे पहले हमने यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट मार्क कर लिया ऐसे। ठीक है, यहाँ पे हमने कट भी लगा दिया, सेंटर नॉच लगा दी, यहाँ पर भी फोल्ड करके कट लगा दिया। ठीक है, अब इस दोनों कट्स को एक दूसरे के साथ मिलाकर और इन दोनों के सेंटर पॉइंट्स को एक दूसरे के साथ मिलाकर, इनके सेंटर पॉइंट्स को सब एक दूसरे के साथ मिलाकर हम यहाँ पर पिंस लगा देंगे, नहीं तो आप सुई धागे से कच्चा भी कर सकते हो। अब याद रहे कि ये हमारे ब्लाउज का या चोली का सही हिस्सा है और इस नेक डिज़ाइन का भी सही हिस्सा है इसकी तरफ है, इसका मतलब नेक डिज़ाइन के बुकरम वाला पार्ट हमारी तरफ है। ठीक है, अब हम सिलाई मशीन पर जाएंगे और बिल्कुल इधर बीच में सिलाई करेंगे।
ठीक है, बिल्कुल यहाँ पर सिलाई करेंगे ऐसे, स्विंग मशीन पर जाएंगे और ऐसे पूरी सिलाई करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हमने इस कपड़े पे भी नहीं करनी और इस बुकरम पे भी नहीं करनी, बिल्कुल ये जो पॉइंट है ना बीच वाला दिख रहा है जैसे मैं चला रही हूँ वैसे इस पर सिलाई करनी है एंड तक, ठीक है। ये देखिए इसको स्टिच करने के बाद हम पिंस हटा देंगे, हम सीजर से देखो इसके बीच में काटेंगे, थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए हर साइड पे ध्यान से काटना जैसे मैं सिखा रही हूँ, इसके बाद थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए इसको काटने के बाद इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे हर जगह, स्मॉल स्मॉल कट्स लगाएंगे, मैं हर एक वीडियो में बताती हूँ नेक डिज़ाइन में यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगाना अच्छा होता है बिकॉज इससे अच्छी फिनिशिंग आ जाती है जब हम इसको टर्न करते हैं। तो याद रहे छोटे छोटे कट लगाते टाइम आपने जो स्टिच किया है वो ना कटे, धागा ना कट जाए। आप इसको उल्टी साइड की तरफ टर्न कर देंगे ऐसे, ठीक है, उल्टी साइड की तरफ टर्न करने के बाद आप इसको प्रेस करेंगे तो इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। देखिए ये प्यारा सा नेक डिज़ाइन ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। इस पर मैं ये लेस भी लगाना चाहती हूँ, ये बहुत प्यारी मोतियों वाली लेस है, ठीक है, तो ये मोतियों वाली लेस है। इसको लगाने के लिए मैं पहले सुई धागे से कच्चा कर लूँगी फिर सिलाई मशीन पर जाकर लगाऊंगी, ठीक है। इसके मोती मैंने थोड़े ऊपर से निकाल दिए हैं क्योंकि ऊपर मेरे को होल्टर नेक भी बनाना है इसका, क्योंकि ऊपर मेरे को होल्टर नेक भी बनाना है। तो अब मैं कच्चा कर रही हूँ इसको सुई धागे से, आपको कच्चा नहीं करना तो आप पिंस भी लगा सकते हो, बट अगर आप बिगनर हो बिल्कुल नई नई स्टिचिंग सीख रहे हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप कच्चा किया कीजिए क्योंकि इससे सफाई ज़्यादा आ जाती है, ठीक है। इससे सिलाई मशीन पर जाकर आपको बार बार पिंस निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ती और सफाई ज़्यादा आती है। इसको पूरा अंत तक लगा दूंगी मैं सुई धागे से, पूरा अंत तक लगाने के बाद सिलाई मशीन पर जाऊंगी और थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए पूरे में अंत तक सिल दूंगी। देखिए नेकलाइन पे ये प्यारा सा मोती वाला डिज़ाइन बनाने के बाद हम ये बैक पैनल लेंगे, तो अभी हम इसको मार्क करेंगे यहाँ से आधा इंच, ये 3 इंच का हमें गला चाहिए तो यहाँ पर हम ऐसे तीची आधा इंच का निशान लगा देंगे फोल्ड करके 3 इंच तक, 3 इंचेस तक हम फोल्ड करके निशान लगाने के बाद कट कर देंगे। ये बैक के नेक की शेप बन गई, अब हम इसको खोलेंगे। ये देखिए बैक पैनल के ये सही साइड है, बैक पैनल की सही साइड और हमारे ये फ्रंट पैनल की फ्रंट चोली की सही साइड एक दूसरे की तरफ रखेंगे, यानी कि इनकी गलत साइड हमारी तरफ है। क्रॉस बैक्स को ज्वाइन कर देंगे, हम इनको क्रॉस बैक बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं तीरा। अब सिलाई मशीन पर जाएंगे और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको स्टिच कर देंगे, ठीक है, इनके तीरे को जोड़ देंगे, आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इनको भी स्टिच कर देंगे। इनके क्रॉस बैक्स को आपस में जोड़ने के बाद हमें यहाँ पे कॉलर लगाना है, आधा कॉलर लगाना है, चाइनीज कॉलर भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये हॉल्टर नेक डिज़ाइन बन जाएगा, तो यहाँ उसके लिए हम यहाँ से 1 इंच, ये देखो ये स्टिच हुआ है, यहाँ से 1 इंच आगे को नाप लेंगे और यहाँ से भी 1 इंच आगे को नाप लेंगे। देखो इसीलिए मैंने यहाँ पर ये जो मोती थे इनको उतार दिया था यहाँ से, ठीक है, यहाँ से 1 इंच आगे की तरफ और यहाँ से 1 इंच आगे की तरफ नापने के बाद नापते कैसे हैं ये देखो, यहाँ से हम नाप रहे हैं ऐसे 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 यहाँ तक, ठीक है, ये आ रहा है 8.25 इंच, ठीक है, 8.25 आ रहा है। तो अब मैं बता रही हूँ आपको कॉलर कैसे बनाते हैं, उसके लिए बुकरम लीजिए। देखिए हमने नापा था 8.25 इंच, 8.25 इंच, तो हमने यहाँ से 8.25 इंच नाप लिया, यहाँ पर ये निशान लगा दिया, उसके बाद इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। फोल्ड करने के बाद हमें इसकी चौड़ाई चाहिए 1 इंच, गले की चौड़ाई चाहिए 1 इंच, जितनी आपको चाहिए आप उतनी ले लीजिए। कोई भी हाफ कॉलर बनाना हो, चाइनीज कॉलर बनाना हो, उसकी मेजरमेंट ऐसे करते हैं, जितना भी चाहिए उसको लेकर फोल्ड कर दिया एक बार। और अब ये 1 इंच लिया था हमने, 1 इंच का आधा कितना होता है 1/2 इंच, आधा इंच, आधे इंच पे हमने नीचे से शेप दे देंगे ऐसी,
ये कौन सी शेप होती है, बोट की शेप होती है। ठीक है, अब यहाँ से हम फिर 1 इंच नापेंगे ऊपर को, यहाँ से ऊपर को। ठीक है, यहाँ से ऊपर को 1 इंच नापा, इस पॉइंट से ऊपर 1 इंच नापा और यहाँ पर इसको ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने के बाद ऐसे शेप दे दी, यहाँ पर भी बोर्ड शेप दी थी, यहाँ पे भी इसको ऐसे राउंड शेप दे देंगे। ठीक है, पता चल गया हमने क्या किया, ऐसे शेप देने के बाद ऐसे राउंड शेप दे दी, नेक डिज़ाइन बन गया। अब हम इसको कट कर देंगे, इसको काटेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चाइनीज कॉलर के नेक लाइन की डिज़ाइन आ गई है। ये देखो, ये नीचे वाला हिस्सा है तो ये नीचे ही आएगा, इसमें मैं मार्क कर देती हूँ कि ये नीचे की साइड पे आएगा। ठीक है, ये नीचे ही आएगा। इसके लिए आपको डबल कपड़ा चाहिए, 1 और 2, दोनों कपड़ों को ऐसे रखेंगे। ठीक है, इनकी सीधी साइड होगी एक दूसरे की तरफ और इसकी उल्टी साइड के ऊपर हम इसको लगा देंगे, प्रेस कर देंगे। पहले तो याद रहे, इसके हर साइड पे 1/2 इंच का मार्जिन छूटा होना चाहिए, उसके बाद हम इसको प्रेस कर देंगे अगर ये पेस्टेबल है तो। नहीं है तो आप सुविधा की से कच्चा कर दीजिए। ये एक के ऊपर तो हमने पेस्ट कर दिया, अब इनको कैसे जोड़ेंगे। ये 2 कपड़े चाहिए हमें कॉलर के लिए, हम यहाँ से स्टार्ट होंगे। ये नीचे वाला पार्ट था, हमने निशान लगाया था, इसको हम खुला रहने देंगे। हम यहाँ से स्टार्ट होंगे, सिलाई मशीन पर जाएंगे और ऐसे स्टिच कर देंगे, ऐसे स्टिच कर देंगे, ध्यान से देखो, और यहाँ पर फिनिश कर देंगे। ठीक है, हमने नीचे स्टिचिंग नहीं करनी, ये खुला रहेगा। देखिए, ऊपर से स्टिच करने के बाद मैं हर साइड से ऊपर से 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए कट कर दूंगी। ये देखो, यहाँ से थोड़ा राउंडेड था, यहाँ से भी मैंने काट दिया। ठीक है, और नीचे भी हम 1/2 इंच का मार्जिन देंगे, बिल्कुल 1/2 इंच का मार्जिन देंगे। अब इसको टर्न करेंगे, ये सीधी साइड पे आ जाएगा। इसके कॉर्नर्स बाहर आ जाएंगे और फिर इसको प्रेस कर देंगे। प्रेस करने के बाद अब देखो, हम गला लेंगे यहाँ पर। बैक पैनल पे मैंने इसका मिडिल पॉइंट पे मार्क कर दिया और इसके भी मिडिल पॉइंट पे मार्क कर दिया। बुकरम वाली साइड को हम इसके साथ लगाएंगे ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर मैं पिन लगा दूंगी। ठीक है, पिन लगाने के बाद अब आप आइए यहाँ पर। यहाँ पर ये यहाँ तक आ गया। अब सिलाई मशीन पर जाएंगे, यहाँ से स्टार्ट होंगे सिलना। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होंगे, इस पॉइंट पर भी आ जाएंगे यहाँ तक, फिर यहाँ से जाएंगे यहाँ से। ठीक है, यहाँ लास्ट तक सिल देंगे, बिल्कुल यहाँ पर सिल देंगे। ठीक है, ये देखिए, मैंने कॉलर ऐसे ज्वाइन कर दिया है। ठीक है, यहाँ से देख सकते हैं, ऐसे ज्वाइन कर दिया है यहाँ तक। ठीक है, अब एक साइड से लेंगे इसको, सारा एक्स्ट्रा क्लोज ये वाला जो है अंदर की तरफ डालेंगे और एक साइड से स्टार्ट होंगे। ये देखो ध्यान से, सारा एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ डाल देंगे और फिर ऐसे 1/2 इंच तक टर्न करते हुए हम इसको स्टिच करते रहेंगे तो कॉलर फिनिशिंग वाला बन जाएगा। ये देखो ध्यान से, मैंने एक्स्ट्रा क्लोथ अंदर की तरफ डाल दिया, अंदर डाल दिया और इसको ऐसे अंदर को टर्न कर दिया। ठीक है, ऐसे टर्न करने के बाद अब आप सिलाई मशीन पर जाओ और ऐसे स्टिच कर दो इसके कॉर्नर्स पे, बिल्कुल ऐसे ही पूरा लास्ट तक आएंगे। इसको ऐसे यहाँ से पकड़ लेंगे और सारा कपड़ा अंदर डाल दिया एक्स्ट्रा, यहाँ से यूँ फोल्ड कर दिया और यहाँ पे रख के इस पर सिलाई मशीन पर जाकर ऐसे सिल देंगे। कॉर्नर पे भी कैसे पहुँचेंगे हम, ये देखो यहाँ पर भी सिलते हुए आएंगे और सारा अंदर को डाल के ऐसे कॉर्नर भी अंदर को टर्न करके ऐसे
फिनिशिंग से यहाँ से यहाँ तक पूरा फाइनल कर देंगे, स्टिच को सिल देंगे। ये देखिए अब हमारा हॉल्टर नेक डिज़ाइन वाला हाफ कॉलर वाला गला तैयार है, और इसमें मैंने ये प्यारी सी स्टोन्स वाली लेस लगाई है, ठीक है, और ये बहुत ही सुंदर लग रही है। neimagination.com देखते रहें, प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के साथ एक बेल है उसे क्लिक करने से आपको मेरी सभी वीडियोस जैसे ही मैं अपलोड करूँगी वैसे ईमेल आईडी में मिल जाएंगी। तो कोई भी क्वेश्चन हो पूछिए, मुझे स्विनचैट ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं, और अपनी मेकिंग्स मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरा पेज निया इमेजिनेशन फेसबुक पर आप लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।